माई चैनल। सो मैं आ गई, जैसे कि आपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखा मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं अभी वापस से ट्रैवल कर गई हूँ। मुंबई टू भोपाल आ गई हूँ, मैं अपने घर आई हूँ और आज मैं अपने इन लॉज के घर पे चली जाऊँगी बिकॉज कल हम लोगों का 30 मई को हमारा सामान जो है वो ट्रक में चढ़ जाएगा एंड आई थिंक 1 को वो निकालेंगे या तो 30 की रात में निकालेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। तो कल हमारा सामान चढ़ेगा। तो आज 29 मई है और कल मैंने यहाँ पर मेहंदी भी लगाई है बिकॉज मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे यहाँ पूजा होने वाली है तो मेहंदी लगा लो एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने एक छोटी सी पूजा ऑर्गेनाइज करी है। हम एक पूजा करवा चुके थे गृह प्रवेश वाली जब हमने घर परचेस किया था, और वो करवाने के बाद ही हम वापस भोपाल मूव हो गए थे। बट क्योंकि अब हम लोग रहने वाले हैं तो हम लोगों ने एक छोटी पूजा जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई है। एंड 1 महीना पहले हमने सब पंडित जी को बुक कर दिया था, टीनू को बता दिया था कि और मेरे पेरेंट्स ने और विक्की के पेरेंट्स ने, हम दोनों के पेरेंट्स ने घर नहीं देखा था तो हम लोग का बहुत मन था कि वो लोग भी आ जाएं। तो हमने इन लोगों को बिना बताए इन चारों की टिकट्स जो हैं वो बुक कर दी थी ऑलरेडी फ़्लाइट की। तो अब इन लोगों के साथ मैं भी जाऊंगी, मतलब क्योंकि पहले बहुत हमारे प्लान्स में फ्लक्चुएशंस आया है। पहले ऐसा हो रहा था कि हम पूजा करवाएंगे, अभी मैं आती नहीं, मतलब ये लोग डायरेक्टली चारों आते, वहाँ पर पूजा वगैरह होता, उसके बाद मैं और विक्की हम दोनों वापस यहाँ आते, फिर सामान जाता, फिर हम वापस जाते। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अभी ये, वैसे भी विक्की बोलता है मेरा कुछ ऐसा काम तो है नहीं, वो लोग आएंगे सामान वो करवाएंगे, मेन सामान मैं पैक कर ही चुकी हूँ, ऊपर पापा जी और मम्मा भी हैं, इधर मेरे मम्मी पापा भी हैं, कोई ना कोई हेल्प के लिए अगर लगेगा तो आ जाएंगे, मतलब यहाँ बहुत लोग हैं तो इसलिए विक्की का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी इसलिए मैं आई हूँ सामान पैक कराने के लिए, कल सामान ट्रक छोड़ देंगे वहाँ पर। और 2 मई हाँ अभी अप्रैल चल रहा है, सॉरी मैं अप्रैल की डेट्स बता रही हूँ, 30 वगैरह। 2 मई को हमारे यहाँ पूजा है गृह प्रवेश की, बहुत अच्छी डेट मुहूर्त निकल रहा था, बहुत सारे पंडितों से हमने क्रॉस चेक किया। तो ये लोग 1 को सब पहुँचेंगे, हम लोग मेरे साथ ये 9 को लेके जाऊँगी मैं, और 3 को लोग रिटर्न हो जाएंगे। 3 को हमारा वहाँ ट्रक आ जाएगा, सामान निकालेंगे और फिर हम जमाना वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे ऐसा, और ये सब अपने अपने घर आ जाएंगे। तो बस वैसा ही है। और अभी जब से मैं कल से आई हूँ मैं सिर्फ सो रही हूँ, और अभी भी खाना खाने के, मैं उठी हूँ 10 बजे, सो गई थी 10 बजे सो के उठी हूँ, अभी खाना खाया और अभी फिर मेरी आईज जो है वो एकदम ऐसे सोलन और स्लीपी हो रही है क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही। मम्मी बोलती है ऐसा लग रहा है तुम कितने जन्मों की सोई नहीं हो, इतना ज़्यादा सो रही हो, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ठंडे में सोना, बाप रे बाप। तो बस वही है, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में बिकॉज अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं थोड़ा सोऊंगी, फिर मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेरी पैक हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो पीछे आप कार्टन्स देख रहे हैं, वो दिख रहा है उधर से उधर ये सब कार्टन्स में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पैक हो चुका है। और जो मेरा सेकंड रूम था ना, जिसको मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल वे में डेकोरेट किया था, मैं वो बताती हूँ, पूरा खाली हो गया है क्योंकि मैं उसका फर्नीचर वैसे भी वहाँ नहीं लेके जाने वाली थी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सेल कर दूँगी, बट फिर सेल नहीं, मैंने सोचा मैं यहीं छोड़ जाऊँगी, फर्निश्ड होम चला जाएगा, जो भी ऐसा कुछ होगा जिसको लगेगा वो यूज़ हो जाएगा। फिर मेरा कज़न रहता है यहाँ पर, माई फर्स्ट कजिन, सो ही लिव्स हियर एंड ही इज बैचलर, तो उसके रूम में इतना कुछ अभी सामान है, बैचलर्स लोग कैसे रहते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा यार किसी और को देने से बेहतर है भाई मैं अपने भाई को ही दे दूँ। तो वो अभी आया था, सारा चीज़ें लेकर के चला गया है, एंड ही जस्ट स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, तो उसको स्टार्टअप के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह चाहिए थी, तो यूनिट्स वगैरह उसके काम आ जाएगी, तो वो लेके चला गया है। तो अब मैं आपको वाला रूम बताती हूँ। सो यहाँ पर जो हमारा बेडिंग मैंने बना के रखा था वो गया, यहाँ पे जो यूनिट था जिसके ऊपर मंदिर रखा था वो मंदिर भी मैंने उसको दे दिया, यहाँ पर जो टेबल रखा हुआ था विक्की का जिस पे वो काम करता था वो दे दिया, एंड यहाँ पर एक जो यूनिट है वो भी चला गया है, वो मेरी मम्मी को दिया है मैंने, मम्मी को चाहिए था वो छोटा वाला तो वो चला गया है। सो ये रूम ऑलरेडी काफ़ी खाली हो चुका है, अब इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो हमको वैसे भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ ये चेयर जाएगी और वो वाली जो चेयर है वो जाएगी, दैट्स इट। एंड ये जो बेसिक छोटा छोटा सामान है, ये सब डेकोरेटिव सामान डेफिनेटली मैं लेकर के जाऊंगी। दिस इज़ द स्टफ़ जो पैकिंग हो रहा है अभी। यहाँ पर भी मैं सोच रही हूँ एक कार्टन और आ गया है मेरे पास, तो मैं इसमें कुछ और सामान जैसे जो थोड़ा एसेंशियल्स होते हैं ना वो सब इसमें भर दूंगी। फिर मैंने ये एलेक्सा वगैरह निकाल लिए हैं, ये सब मैं अपने पास बैग में रखूँगी। बेसिकली उनके पास सिर्फ वो किचन बचने वाला है, ये रूम का सामान पैक करना है और ये रूम पैक करना है, मतलब ज़्यादा सामान नहीं है उनको पैक करने के लिए। नाउ बटरफ्लाई इन माई स्टमक स्टार्टेड, आई डोंट नो, जब कितनी बार शिफ्ट कर लिया फिर भी जब ट्रक आने वाला रहता है उससे एक दिन पहले मेरे दिल में थोड़ी बटरफ्लाईज चलने लगती है, सोचने लगती हूँ मैं कि सामान चला जाएगा अच्छे से, एंड वो थोड़े थॉट्स आते हैं ना, ऑब्वियसली थोड़ा डर लगता है। सो यस, अब बस यही है, सामान अच्छे से पहुंच जाए। और अभी मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, वो यहीं पास में आए हुए हैं तो यहाँ देखने के लिए आएंगे। और कल सैम और टीनू निकल जाएंगे अमृतसर से मुंबई के लिए, वो लोग भी पहुँच जाएंगे परसों। तो ये जो इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं ना, ये हम बहुत बेसिक इनॉग्रेशन, बेसिक मतलब बहुत लोगों को मैंने नहीं इन्वाइट किया। मेरे रिलेटिव्स में मेरे जो खास लोग हैं, जैसे मेरी बुआ हो गई, मेरी मासी हो गई, मेरी चाची हो गई, फिर इधर विक्की की तरफ से भी उनकी नानी जी की फैमिली हो गई, मामी जी हो गए, बुआ जी हो गए, ये लोग थोड़े, हम लोग ये जो जोन है क्लोज वाले लोग, हमने अभी किसी को भी नहीं बताया है, ना ही किसी को इन्वाइट किया है, ना किसी को बताया है। पूजा हो रही है ये बताया है मम्मी ने कि जाने वाले हैं मुंबई, जाने वाले हैं ऑल दैट, बट अभी एक्चुअली उसका सबसे मेन रीज़न तो ये है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे घर में एसी नहीं है कहीं पे भी। तो आप समझ रहे हो ये लोग सब बड़े, मतलब बड़े लोग परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी पेरेंट्स का तो एक ऐसा था कि उनका हमारा मैंडेटरी था कि भाई इन लोगों को हम ये करने वाले हैं कि जब मेरा घर थोड़ा सेट हो जाएगा ना तब करके इन्वाइट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान बहुत हो जाएंगे, वो परेशान होंगे कि नहीं होंगे, पर मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, मेरे से नहीं झेलता है गर्मी, और ऊपर से इतना सब हौच पौच में मेरे से काम नहीं होता है। तो दैट्स वाई थोड़ा आराम से ठहर के मैं एंड सी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घोंसला। सो हाँ, इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था कि मुझे एक नाम चाहिए अपने घर के लिए, तो किसी ने मुझे आई थिंक सजेस्ट किया था घोंसला, एंड मुझे टिपिकल हिंदी नेम ही रखना था। आई डोंट वांट टू कीप दिस नेम कि नेस्ट हो गया और ये हो गया, इंग्लिश नेम नहीं रखना था मुझे, हिंदी दिल से आया हुआ नाम जिसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लग जाए, प्यारा सा, क्यूट सा, ऐसा कुछ मुझे नाम रखना था। और हिंदी, स्पेशली मुझे हिंदी नेम रखना था, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो मुझे जैसे ही नाम सजेशन आया ना, कि बहुत सारे लोगों ने नेस्ट लिखा था, बट नेस्ट का हिंदी क्या होता है, घोंसला होता है। तो दो तीन लोगों ने, एक ने किसी ने मुझे लिखा था घोंसला। जिसने ये सजेशन दिया ना, नीचे कॉमेंट जरूर करना, मुझे इतना प्यारा लगा। आई वॉज लाइक yes, this is the name. Ghosla is like the name of the home. I'll definitely going to, I have some very creative ideas for this name, और उससे related कुछ चीज़ें मैं करने वाली हूँ, प्लान है मेरा। जैसे ही वो नाम आया ना मेरे दिमाग में, वो आइडियाज़ भी तुरंत क्लिक हुए हैं। तो वो जो क्लिक हुए आइडियाज़ है वो मैंने नोट्स में फटाफट लिख लिए, क्योंकि ऐसा होता है जब आप करने जाते हो ना तो भूल जाते हो। तो मैं सब चीज़ नोट करती जा रही हूँ, जो भी आइडियाज़ मेरे को आ रहे हैं। सो yes, अब मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलती हूँ कल सुबह। Hey guys, sorry for the interruption in the middle. ब्लॉग अभी रीस्टार्ट होगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। So as you all know that समर्स जो है वो एकदम पीक पे चल रहे हैं, एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप लोगों को भी स्लीवलेस पहनना बहुत ज्यादा पसंद होगा समर्स में। हम लोग क्या करते हैं, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, सबसे ज्यादा तो कोई टेक केयर करता है तो वो अपने फेस का करता है, सेकेंड आर्म्स पे, लेग्स पे, हैंड में आप लोग करते होगे। तो इस चक्कर में बहुत सारी बार कैसा होता है कि हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, एंड अंडर आर्म्स के लिए एज सच कोई ऐसा रूटीन भी नहीं होता है, और रूटीन होता भी है तो वही आपको DIY बनाना है, ये करना है, वो करना है, वही आपको यूज करना होता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मुझे ऐसे क्विक सोल्यूशंस चाहिए होते हैं जो फटाफट हम कर भी ले, शार लेते टाइम, और हो भी जाए, ज्यादा टाइम भी ना ले। तो जो डार्कनेस होती है, अंडर आर्म डार्कनेस होती है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। इरिटेशन कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से हो जाता है, कुछ मेडिकेशन डार्क अंडर आर्म्स क्रिएट करते हैं, कुछ पिगमेंटेशन होता है किसी को, समटाइम्स प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से हो जाता है। एंड उसके बाद जो हम हार्श केमिकल्स यूज करते हैं, लाइक यू नो क्रीम्स वगैरह रिमूव करने के लिए, उसकी वजह से भी डार्क अंडरआर्म्स रह जाते हैं। तो मामाअर्थ ने बहुत ही अमेजिंग सा रेंज लॉन्च किया है जिसका नाम है विटामिन सी अंडरआर्म किट। इसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, एक आता है स्क्रब, एक आता है क्रीम, और तीसरा आता है मास्क। आई एम एक्चुअली लविंग इट। एक तो ये बहुत अच्छे से आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं उसको क्लीन कर देता है, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है बहुत टाइम तक। सो ये जो किट है, दिस इज क्राफ्टेड विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। तो ये बेसिकली आपके अंडर आर्म, जो आपकी जो डेलिकेट अंडर आर्म स्किन है, उसको रेजुविनेट करता है एंड ब्राइटन अप करता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट यूजिंग दिस रेंज रेगुलरली। मेड सेफ सर्टिफाइड, जिसका मतलब होता है कि इसके अंदर ना तो कोई हार्मफुल केमिकल्स है, ना ही कोई टॉक्सिन्स है। तो बेसिकली रेंज क्या करता है, डिस्कलरेशन एंड डार्क स्पॉट्स को फेड अवे करता है, ब्राइटन अप करता है अंडर आर्म्स को, रिड्यूस ब्लेमिशेस, आपकी जो स्किन है उसको नरिश रखता है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। इसके जो की इंग्रीडियंट्स है वो है लेमन एक्सट्रैक्ट एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। ये बेसिकली क्या करता है, ब्राइटन अप द स्किन एंड डिस्कलरेशन को रिड्यूस करता है, एंड पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जो है, इट एक्ट्स एज अ मेलानिन इनहिबिटर एंड हेल्प्स इन स्किन ब्राइटनिंग। आपको सबसे पहले अपनी स्किन को जो है एक्सफोलिएट करना है। सो दिस इज द स्क्रब। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ज्यादा माइल्ड है, मतलब आप ये देखिए, इट्स वेरी वेरी माइल्ड। तो आपको स्क्रब करना है सबसे पहले तो सबसे पहले अपनी जो अंडरआर्म की स्किन है उसको एक्सफोलिएट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रब। के नेक्स्ट स्टेप पे आपको लगाना है ये विटामिन सी मास्क उस एरिया में, तो आपको 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। लास्ट जो स्किन केयर रूटीन का प्रोसेस होता है वो होता है मॉइस्चराइजिंग। तो जब आप स्क्रबिंग कर लेते हैं और मास्क लगा लेते हैं तो आपको ये मॉइस्चराइजर लगाना होता है। इट्स वेरी माइल्ड मॉइस्चराइजर और इतना अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद, फटाक से ये अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे। बिल्कुल भी आपको ऐसे स्टिकीनेस फील नहीं होती या हैवीनेस फील नहीं होता। इट्स वेरी गुड। इवन इसकी वजह से जो पूरा रूटीन आप करते हो ना, आपको इतना फ्रेश फील होता है बहुत टाइम तक। एंड इवन यू स्मेल वेरी गुड एज वेल। इवन आप अगर उसके ऊपर कुछ भी परफ्यूम डियो नहीं भी लगाना चाहते हो ना, इट वर्क्स रियली ग्रेट। तो यस, ये थे तीनों प्रोडक्ट। सारे तीनों इन प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पर। मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डाउनलोड जरूर करिएगा। ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। आप कभी भी मामाअर्थ की वेबसाइट से कोई भी मामाअर्थ का प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो परचेस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो यस, अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग। ओके गाइस, तो ये हमारा अर्ली मॉर्निंग ट्रक आने वाला था और इसके पहले ये सब लोग आ गए थे हमारे पास काम करवाने के लिए, मतलब जो भैया लोग पैकिंग वगैरह करते हैं। तो आराम से आई थिंक 3 बजे तक हमारा पूरा पैकिंग वगैरह डन हो गया था एंड 5:30 बजे तक ट्रक में पूरा सामान चढ़ के ट्रक पैक हो चुका था। तो ये वही मूवर्स एंड पैकर्स हैं, जब मैं मुंबई टू भोपाल आई थी तो मैंने इन्हीं को बुक किया था। सो दिस इज़ फ्रॉम CRC पैकर्स एंड मूवर्स इनका नाम है और काफ़ी सही रेट इन्होंने मुझे दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार करवा चुकी हूँ ऐसा। तो ठीक ठाक लगता है मुझे इनका सर्विस एंड हमारा अभी तक कोई सामान भी टचवुड ना आते टाइम डैमेज हुआ ना जाते टाइम डैमेज हुआ था। तो हम लोग हमारा एक पर्सनल ट्रक वो बुक करवाते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है बट एटलीस्ट आपका सामान डैमेज नहीं होता है। तो मेरी गाड़ी भी जा रही है, ये जो 2 व्हीलर है मैं ये भी ले करके जा रही हूँ इस बार। सो हाँ, तो हम लोग पर्सनल ट्रक करवाते हैं तिरपाल वाला, ताकि वो अच्छे से पैक हो जाता है। कंटेनर भी नहीं लेते हम, ट्रक लेते हैं प्रॉपर ओपन वाला जो ट्रक होता है। सो इट्स सेफ। और उसी के जस्ट नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं अपने इन लॉज और मेरे पेरेंट्स को लेकर के निकल गई ही। हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, दिस इज़ 1 मई और अभी मैं इन लोगों को घर लेकर के जा रही हूँ। हाय एवरीवन, सो वी रीच्ड हियर और हम लोग कल पहुंच गए थे। कल आने के बाद क्योंकि इतने सारे लोग थे तो बस बातों में लगे हुए थे और यू नो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, घर दिखाना, खाना पीना, ये वो। सो आई लिटरली फॉरगॉट टू व्लॉग। एंड आज हमारे यहाँ पूजा है एंड लिटरली आज इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, कल इतनी नहीं थी, कल फिर भी हवा चल रही थी बट आज पूजा और आज बाप रे भगवान पे कहते हैं ना परीक्षा लेता है, तो भाई आज भयंकर वाली ह्यूमिडिटी हो रही है। तो मैंने ना ये पोशाक मंगवाई है, यहाँ पर रखी हुई है। मैंने एक पोशाक मंगवाई है, एक साड़ी है मेरे पास और साथ में एक सूट भी लेकर के आई हूँ मैं, कॉटन वाला। तो अभी तो मैं पोशाक पहन करके बैठूँगी। और पंडित जी आ गए हैं, हम लोगों ने 5 पंडित बुक किए थे। मतलब आई रियली वॉन्टेड टू हैव अ वेरी नाइस गुड भव्य पूजा जिसको बोलते हैं, वो हमको करवानी थी। तो हम लोगों ने मतलब 5 पंडित यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो येस, आई एम वेरी हैप्पी। और सब लोग बैठ गए हैं, विक्की गया हुआ है एज़ यूजुअल भटकने के लिए, सामान इधर उधर, उसका अलग ही भागा दौड़ी चलता है। एंड मोमेंट पे कभी भी वो प्रीपेयर्ड नहीं रहता है, हर बार हमारा इसी बात का वो होता है। तो ही इज़ नेवर प्रीपेयर्ड और अभी भी वही हाल है, वो भी भटक रहा है सामान लेने के लिए। और बाकी सब चीज़ें प्रिपरेशंस हो गई हैं, दोनों मम्मियाँ हैं तो वो उनका अलग ही चल रहा है भागा दौड़ी, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। तीनों और हम लोग जब बैठे हुए थे ना सुबह, तो हम बड़े शांति से बहुत कामली हम लोग चीज़ें कर रहे थे। ये दोनों जैसे ही आई एकदम भगदड़ मच गई घर पर। मैंने कहा भाई आप लोग शांति से बैठ जाओ, सब हो जाएगा। सो येस, और पूजा आज चलेगी थोड़ी लंबी। तो जिनको मैं जानती हूँ सोसाइटी में, मैंने उनको तो इनविटेशन मैसेज डाल दिया है, जैसे हमारे आजू बाजू जितने भी हैं उनको तो हम बुलाएंगे। और भी जो 1-2 हैं इधर उधर रहते हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनको भी मैंने बोल दिया है। तो आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा यू नो तहे दिल से इन्विटेशन दे रही हूँ मैं। आप सभी लोग भी इन्वाइटेड हैं हमारे इस गृह प्रवेश की पूजा में। बहुत रियल में तो हमने नहीं दिया है बट हम वर्चुअली फैमिली बने हैं, फ्रेंड्स बने हैं, जो भी बने हैं, मैं आपकी दोस्त बनी हूँ, जो भी बनी हूँ वर्चुअली। तो वर्चुअली ही आप मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट करिए और स्क्रीन के थ्रू आप हमारे यहाँ की पूजा देखिए, बहुत सारा अपना आशीर्वाद दीजिए और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए। सो आई डोंट नो मैं कितना व्लॉग कर पाऊँगी बिकॉज काफ़ी लंबी पूजा होने वाली है। हम 4-5 चीज़ें करवा रहे हैं, वास्तु पूजा करवा रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रहे हैं, अभिषेक होगा, गृह प्रवेश होगा और एक और कुछ बोला था, 5 चीज़ें हैं जिसमें एक नाम भूल गई मैं एकदम से यार, सो सॉरी। तो वो 5 चीज़ें होंगी तो लंबी चलेगी, 3-4 बजे तक चलेगी। अभी सुबह 8 बजे से सब मतलब हम तो 6 बजे के उठे हूँ, मैं नहा धो लिया, रेडी हो गए और अभी मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि आप हालत देखो, भयंकर स्वेट हो रहा है मेरे को और यस एक्साइटेड, और इसलिए मैंने ये मेहंदी भी लगा करके रखी थी। जब हम लोगों को टाइम पता चला था कि सुबह 8 बजे से पूजा स्टार्ट होगी तो हमको लगा था ठीक है 8 बोल रहे हैं, 9-9:30 बजे स्टार्ट करेंगे। बट पंडित जी का सुबह 7 बजे विक्की के पास कॉल आ गया था कि वो लोग लोकल में बैठ गए हैं और वो आने वाले हैं। तो शार्प आई थिंक 8 बजने में 5 मिनट कम थे, ये लोग हमारे घर पे आ गए थे। एंड ये जो तैयारी करना होता है ना पूजा की, इसमें बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे आराम से लगते हैं। ये एक चीज़ बनाते हैं खुद, सब चीज़ बनाई जाती है, 2 से ढाई घंटे लगते हैं। हालांकि 5 पंडित जी लोग थे तो इतना टाइम नहीं लगा तैयारी में, बट फिर भी लगता है, मतलब 2-2.5 घंटे लगते हैं आराम से। तो वो तो प्रिपरेशन में लग गया, उसके बाद फिर हम लोग रेडी हुए। तो एक्चुअल पूजा स्टार्ट आराम से हुई है 10 बजे, मतलब 9:30 पौने। एक मिनट सीधा कर बनिया इसला। अन्नपूर्णा धर्माः महालक्ष्मी वाहा अग्निदेवता धर्माः बंबरनाये नमः। आराम से कोई जैसे हमारा साबुन तेल रहता है ना, उसी तरह भगवान का साबुन तेल है, तो वैसा स्नान करें कि उनके साबुन तेल लगा ना रहना चाहिए, ठीक है। बढ़िया से स्नान करिए, आंखों लेकर के चंडवच्चे स्वाहा मंगलिंग क्लिंग 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 चंडवच्चे स्वाहा। कमलेभ्यो समर्पण मस्त छोड़ दीजिए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। कितनी है वो तो बोलती, कितनी है? 33। वाह यार क्या बात है। गिर गया कारीगरी भी करनी। हाय एवरीवन, सो मैं लिटरली आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। पूजा खत्म हुई एंड पूजा मेरे यहाँ हो गई थी 2 को, हाँ 2 मई को हमने पूजा रखी थी एंड 3 मई को हमारे दोनों के पेरेंट्स जो है वो रवाना हुए भोपाल के लिए। एंड जैसे ही वो लोग निकले हैं यहाँ से, उसके आई थिंक उस दिन मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। मैंने कहा मैं बहुत थकान फील कर रही थी एंड जस्ट उसके नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे से आई स्टार्टेड फीलिंग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो बॉडी है ना वो वेट कर रही थी कि मेरा सामान आ जाए बस। तब तक वो जो इतना जो भाग दौड़ हुआ है, इतना एक्सर्शन हो रहा था, गर्मी, बाहर का खाना, सब कुछ मिला करके वो मेरा उस दिन निकला। इन द सेंस ऑफ मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गए एंड मुझे इतना वीकनेस और डिहाइड्रेशन फील हो रहा था। देन आई वॉज लाइक नहीं, अभी रुकते हैं, आराम आराम से करते हैं। तो मैं ना उस दिन पूरा, फिर मैंने ब्रेक लिया। मैंने पूरा ब्रेक लिया उस दिन। फिर उसके नेक्स्ट डे भी मैंने फिर ये अपना जो होता है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज, फ्रूट्स खा करके, नारियल पानी पी के थोड़ी एनर्जी गेन करी एंड थोड़ा बेसिक से जमाना स्टार्ट किया। मतलब मैं इतना थक रही थी कि मैं कोई एक बॉक्स भी ओपन कर रही थी ना, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊं। एंड लिटरली मैं सो के उठी हूँ, जैसे मैं सपोज 7, 7:30 बजे, तो क्या एसी नहीं लगा था तो 7:37 मैक्स हमारी नींद खुल जाती थी बिकॉज ऑफ स्वेट हो जाता था पूरा पीछे। तो मैं उठती थी, उठने के जस्ट बाद 9, 9:30, 10 बजे मुझे फिर से थकान फील होने लगती थी। तो मैं लिटरली गर्मी, जैसी भी गर्मी हो उसमें मैं सो लेटी हूँ और मेरी नींद लग रही है। इतनी मेरे अंदर बॉडी में नींद और थकान भर गई थी कि आई वॉज लाइक यार आई हैव टू टेक ब्रेक। मैंने स्टेटस भी डाला उस चीज़ के लिए कि भाई अभी इतना जल्दी वीडियो एक्सपेक्ट मत करना। एक तो गर्मी, ऊपर से एसी नहीं, खाना पीना ढंग से नहीं हो रहा है, एक बाहर का खाना खा रहे हैं, पानी नहीं पी रही ढंग से मैं प्रॉपर, मतलब बहुत, इन शॉर्ट बताऊँ तो बहुत भसड़ हो गया था। सो आई वॉज लाइक यार मैं बिल्कुल, लेट मी टेक इट वेरी स्लो। मैं बहुत स्लो, मतलब 1 हफ्ता हो गया है और अभी भी आप मेरा हॉल की कंडीशन देखा तो ना, इट वॉज लाइक बिल्कुल सामान पड़ा हुआ है। अदरवाइज मैं इतना लेट कभी नहीं करती हूँ, बट इस बार ना मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। मतलब मैं बहुत थकान फील कर रही थी, तो मैंने बोला यार 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए बेड पे पड़ जाऊँ, इससे बेटर है कि मैं आराम से करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, सो रही थी, थोड़ा सा काम कर रही थी, सो रही थी, ऐसे मेरा चल रहा था। आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ और अभी मैं बहुत बेटर लग रही हूँ, आप लोगों को वापस मेरी एनर्जी जो है वो आ रही है वापस। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं एक और नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने स्टार्ट किस पेज पे वीडियो किया था और मैं खत्म किस पेज पे कर रही हूँ। मतलब लिटरली 15 दिन हो गए होंगे। 15 दिन का तो मतलब पहला ही मैंने इतना लंबा व्लॉग चलाया है। सो लिटरली मुझे याद नहीं, मैं एडिट करते टाइम देखूंगी कि मैंने क्या चालू किया था और कहाँ खत्म कर रही हूँ मैं। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप सोचो, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मैंने सब अपने इयररिंग्स, वेयरिंग्स, गले का सब निकाल के पटक दिया है, क्योंकि अरे बाप रे, गोल्ड से भी बोलते ना गर्मी आती है। सो यस, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।